सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ शायन जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ मालदा टाउन में और यहाँ मैं पहुँचा था शताब्दी एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी तय करके। उसके बाद मैं गया था बाहर खाना खाने के लिए। ब्लॉग की शुरुआत में ये बात इसलिए कर रहा हूँ मैं कि मेरा मन खुश हो गया लिटरली यहाँ का खाना खा के। यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं, ओहो हो, बंगाली मिठाइयाँ हम लोगों ने ट्राई की, लिटरली मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी टेस्टी यहाँ की मिठाइयाँ हैं, दिल खुश हो गया खा के। बाकी उसके अलावा समोसा सिंगाड़ा जिसको यहाँ बोलते हैं, ओहो हो क्या टेस्ट था भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल, कोई जवाब ही नहीं है उसका। साथ ही साथ स्ट्रीट फूड हम लोगों ने ट्राई किया, थोड़ा इतना बढ़िया था कि मैं मजबूर हो गया हूँ ब्लॉग की शुरुआत में तारीफ करने के लिए कि यार ये जगह मुझे पसंद आई, यहाँ फिर से मैं आऊँगा एक्सप्लोर करने के लिए। खैर आगे बात करते हैं। तो आज का जो हम लोग सफ़र है शुरू करने जा रहे हैं, ट्रेन नंबर 13154 मालदा टाउन सियालदा गौड़ एक्सप्रेस में। मैं आपको बता दूँ ये एक डेडिकेटेड ट्रेन है जो मालदा से सियालदा के बीच में चलती है और मज़ा आएगा आज इसके टू टायर में हम लोग सफ़र करने वाले हैं। फिलहाल तो मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं 8:30 बजे ही, 9:30 बजे का डिपार्चर है। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है आपकी अरुणी एक्सप्रेस जो कि रिसेंटली या कुछ समय पहले एलएचबी हुई है, ये निकलेगी, फिर मुझे लगता है अपने रेक लगाए जाएंगे। मज़ा आएगा, आप और हम साथ में ट्रेन जर्नी जो है इन्जॉय करते हुए चलेंगे। ओवरनाइट ट्रेन जर्नी है, उसके पहले ज़रा ट्रेन से अभी अराइवल डिपार्चर इन्जॉय करेंगे जब तक अपनी ट्रेन नहीं लगती। तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिए। आप देख लीजिए काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है मालदा, 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे यहाँ देख लो आप, कोई तो पैसेंजर ट्रेन आके खड़ी हुई है और लोकोमोटिव देखिए WDM 3D मालदा शेड का। जिनको डीजल लोकोमोटिव पसंद है उनके लिए तो ये साउंड जन्नत है। बाकी उस तरफ सामने आप देख लो, मुझे लगता है ये यहाँ का यार्ड है या कह सकते हैं कोच केयर सेंटर। ऐसे ही अभी टहल रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सामने खड़ी है आपकी क्यूल मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस, बहुत डिमांडिंग गाड़ी है ये भी। जो भी कहो रात में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये मालदा स्टेशन, और कभी समय मिला तो एक बार फिर से ज़रूर यहाँ पर आएंगे, डेडिकेटेडली यहाँ पे 2-3 घंटा स्पेंड करेंगे क्योंकि डीजल लोकोमोटिव भी यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। WAP 4 के साथ मुझे लगता है अपनी ही ट्रेन का रेक जो है वो लगाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है ICF रेक है ये, हाँ गौड़ एक्सप्रेस। ये पूरा के पूरा रश गौड़ एक्सप्रेस का ही है। बाकी अच्छे खासे स्लीपर के डब्बे हैं इस ट्रेन में। भाई साहब इस गाड़ी में डेडिकेटेड फर्स्ट एसी का कोच है, वो भी ICF। देखिए बाहर से ही इतना प्यारा लग रहा है, अंदर से कितना खूबसूरत होगा यार। ये है आज का अपना कोच A3। चलते हैं, और यहाँ का मेंटेनेंस तो बहुत अच्छा लग रहा है, वॉशरूम वगैरह भी नीट एंड क्लीन है। अंदर देखते हैं, अंदर भी क्या बढ़िया साफ सुथरे इंटीरियर से, आप देखो गजब यार, एज एक्सपेक्टेड, मुझे लगा ही था गाड़ी एकदम साफ सुथरी होगी और बढ़िया है यार। देखो बेडिंग वगैरह प्रॉपर से रखी हुई है, सीट्स नीट एंड क्लीन है, सो थम्स अप, पंखा वगैरह चल रहा है ICF 2 AC के पूरे। ओवरनाइट जर्नी है तो ज़रूरी है कि अपने साथ पानी ज़रूर से कैरी करें, 2 बोतल बहुत होगा, एक लीटर दोनों भाई के लिए। अब ट्रेन में देखो कुछ मिलेगा तो है नहीं, तो अपने साथ पानी तो ज़रूर से कैरी करें, और गर्मियों के टाइम में स्पेशली, क्योंकि रात में स्टेशन पे भी मुश्किल होता है छोटे छोटे स्टेशन पे मिलना। क्या सुकून मिल रहा है ना लिटरली। पहले हम लोग इस गाड़ी के AC 3 टायर में करवाने वाले थे, पर जब तक मैं टिकट बुक करता वहाँ वेटिंग लग चुकी थी। फिर मैंने इसके 2 टायर में देखा तो REC था, तो REC ले लिया मैंने, और आज जब चार्ट बना तो कंफर्म हुआ ये लोअर और अपर ये 2 बर्थ कंफर्म हुई है। और जिस हिसाब से हम लोग थके हैं ना उस हिसाब से टोटली वर्थ इट है 2 टायर, क्योंकि 2 टायर में कंफर्ट में जो नींद आती है ना वो 3 टायर में नहीं आती। इसका फर्स्ट AC देख के लालच आ गया तो सोचा आप सभी को क्लासिक ICF फर्स्ट AC का इंटीरियर जो है ना वो मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखिए यहाँ का कूप, क्या लग्जरी और क्या स्पेशियस लग रहा है, आप देखिए वन ऑफ द बेस्ट। अलमीरा वगैरह भी है यहाँ, देखो अपना कपड़ा वगैरह आप यहाँ टांग सकते हो,
मतलब इसकी ICF के फर्स्ट AC की बात ही कुछ और है। फैन भी है बड़ा सा, आपको गर्मी नहीं लगेगी कभी इसमें। बढ़िया AC वेसी चल रहा है, गजब। देखते ही मैं समझ गया था कि लग्जरी होगा एकदम। चलिए, शार्प 9:30 बजे अपना डिपार्चर मालदा टाउन स्टेशन से हो रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलिए, डिपार्चर तो अपना हो चुका है, अब मैं आप सभी से अपनी ट्रेन का रूट जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले निकले हम लोग मालदा टाउन स्टेशन से। टोटल दूरी करीब भी मान लो 350 किलोमीटर की है। और रूट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से फरक्का, न्यू फरक्का जंक्शन। वहाँ से जाएंगे हम लोग आपका नलहटी, वहाँ से रामपुर हट, रामपुर हट से बोलपुर, शांति निकेतन, और वहाँ से फिर हम लोग बंडेल होते हुए सियालदह तक का सफ़र जो है वो तय करेंगे। स्टेशन पर आपको अच्छे खासे स्टॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, वेटिंग रूम वगैरह भी है, इवन रिटर्निंग रूम डॉर्मेटरी वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और क्लॉक रूम अगर आपको रखना है सामान तो यहाँ आगे की तरफ है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सामने ये है आपकी सियालदह बालूरघाट एक्सप्रेस। सियालदह वेब 7 के साथ मालदा टाउन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर है। क्या मस्त भगा रहे हैं इस गाड़ी को, मालदा से निकलते ही पूरा 110 की रफ्तार में। अंधेरा जरूर से है, बट ICF का जो ट्रैक साउंड है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, आप लोग एंजॉय करो इसको। देखो फिलहाल हम लोग फरक्का बैराज को पार कर रहे हैं और यहाँ पानी की आवाज सुनिए, कितना पानी बह रहा है यहाँ पर नीचे। यह विशाल का फरक्का बैराज जो कि आपका गंगा नदी पे बना हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रोड देखने को मिल जाएगा और ये पूरा बैराज। दिख तो नहीं पा रहा होगा आप लोग को भी, पर आप लोग पानी की आवाज से समझ जाइए कितना पानी यहाँ पर बह रहा है। यहाँ आकर जरूर से थोड़ा बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा।
और फरक्का बैराज को पार करते ही हमारी गाड़ी न्यू फरक्का जंक्शन में एंटर कर जाती है। करेंटली 10:04 समय हो चुका है, हम लोग पहुँचे हैं न्यू फरक्का जंक्शन रेलवे स्टेशन। सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ ये जंक्शन क्यों है। देखिए ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है तो व्हाट्स आपका तीन पार जंक्शन कह लो, भागलपुर कह लो, या उस तरफ ही कह सकते हैं, उस तरफ ही निकलती है और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी आपका टुवर्ड्स रामपुरहट, जिस पर हम लोग को बढ़ना है, जो कि आगे चलकर कोलकाता की ओर जाती है, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आपका आजमगढ़ की तरफ। इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी सुविधाओं की अगर बात की जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टॉल वगैरह भी आपको यहाँ पर कुछ दिखेंगे नहीं, छोटा सा तीन प्लेटफॉर्म का एक जंक्शन रेलवे स्टेशन आप इसे कह सकते हैं। अच्छा स्टॉल वहाँ आगे की तरफ है। बाकी ठीक ठाक चहल पहल है यहाँ पर। चलिए अपने डिपार्चर का हॉन्ग यहाँ हो चुका है, निकलते हैं। अगर बात की जाए और फरक्का के बारे में तो आपका बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मेनली यहाँ का जो फरक्का बैराज है वो मशहूर है, गंगा नदी पे बना एक विशाल का डैम। मेरा मन यार बहुत टाइम से सोच रहा हूँ दिन में आने का, पर मोस्टली ऐसा होता ना 99% टाइम जितनी ट्रेन जर्नी मैंने की है सब के सब यहाँ रात में या शाम के वक्त में निकलती हैं, कभी डेडिकेटेडली इसके लिए आएंगे। सरप्राइज 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 मैं कह रहा था ना कि बहुत मैंने अपग्रेड करने का इस गाड़ी के फर्स्ट एसी में, तो हम लोगों ने इंतज़ार किया, टीटी सर से पहले ही बात कर ली थी, उनको कह दिया था कि भाई हमें फर्स्ट एसी में सीट चाहिए, अगर आप फेयर डिफरेंस लेके हमें दे पाएँ ऑफिशियली रिसीट बना के तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा एक बार मैं चेक करूँगा बोर्डिंग वगैरह, कोई नहीं आया, कोई एबसेंट रहा, सीट खाली रही तो मैं आपको अलॉट कर दूँगा। बस क्या फ़र्क का निकला और सीट हमें मिल गई। ये अपना पर्सनल आप इसे कह सकते हैं स्पेस बन गया है, हमारा पर्सनल रूम बन गया है जिसमें सारी सुविधाएं आपको इंटीरियर में दिखा के गया था। तब से मेरे मन में सत्यवाई के मन में लालच थी कि ICF के फर्स्ट एसी में सफ़र करना है, बहुत रेयर हो गए हैं आजकल ये, और इन सुविधाओं के साथ तो बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गए, धीरे धीरे अभी ख़त्म हो जाएंगे, तो बस अपने साथ इन सफ़र को यादों में बसाना चाहते हैं इसलिए इसमें अपग्रेड कर लिया। और इंटीरियर तो पहले ही दिखाई दिया मैंने आपको, क्या ही बात करें, मतलब फुल लग्जरी, मज़ेदार है, अब सोने में मज़ा आएगा। चलो किराया मैं आपको बताता हूँ, तो 860 रुपये हम लोगों ने सेकेंड एसी में पे किए और 1460 रुपये समथिंग इसका फेयर है, तो लगभग 550 रुपये हम लोगों ने डिफरेंस पे किया है। टोटल आपको फर्स्ट एसी का किराया 1500 रुपये ऑलमोस्ट पड़ेगा फ्रॉम मालडा टू सियालदह। फिलहाल सोते हैं, बहुत थके हैं, बाहर कुछ दिखाने के लिए इतना खास है नहीं, अंधेरा भी है। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह, और इसे आप चाहें तो किसी भी गाड़ी में किसी भी क्लास से अपग्रेड कर सकते हैं फेयर डिफरेंस पे करके ऑफिशियली। स्किपिंग दम दम जंक्शन,
जी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के करीब 4:40 अभी समय हो चुका है, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं सियालदह रेलवे स्टेशन। और फर्स्ट एसी की बात की जाए तो भाई साहब क्या नींद आई है भाई, क्या कंफर्टेबल है। मन कर रहा था ना, लगता थोड़ा लॉन्ग जर्नी होती, मतलब लाइक 24 घंटे की, तो मज़ा आता यार, मस्त कंफर्टेबल होती। बाकी अभी आँखों में नींद ली है, तैयार है उतरने के लिए हम लोग सियालदह। अभी तो कोलकाता का सबअर्बन ट्रैफिक चल रहा है यार, सबअर्बन ट्रैफिक देख के ना एक अलग ही फील आती है। तो शहर में गाड़ियाँ चलती रहती है, मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, मतलब सबअर्बन सेक्शन में ट्रैवल करना, स्पेशली आपको मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। आपको ये ट्रेन याद है ना, मालदा टाउन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी थी, ये हमसे पहले यहाँ पे आ गई है। अब रात में पता नहीं कहीं तो इसने ओवरटेक किया होगा हमें। बाकी इसको देखो, एल्को लोकोमोटिव शंटर, इसको शंट करने के लिए तैयार है। लेकिन फाइनली पहुंच चुके हैं आपका सियालदह रेलवे स्टेशन, और 350 किलोमीटर का सफ़र बिल्कुल अपने समय से हम लोगों ने तय किया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताना। हालांकि थोड़ा सा छोटा ज़रूर से वीडियो, पर हाँ मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी जर्नीज भी आप सभी के साथ में शेयर करूँ। रात की जर्नीज का भी एक्सपीरियंस आप सभी को बताऊँ मैं। ओवरऑल व्यू ट्रेन का बढ़िया है, साफ सफाई अच्छी है, ट्रेन टाइम पर आती है, खाने पीने की ज़रूरत होगी नहीं क्योंकि रात की जर्नी होती है। लेकर आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। श्रेयांश जैन को मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज श्रेयांश जैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता।